स्टूडेंट, अभी तक हमने बात की है कि हमारा जो कॉटन का फैब्रिक होता है वो कैसा होता है और उसको हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, वो हमें कहाँ से प्राप्त होता है, उसकी जो क्वालिटी होती है वो कैसी होती है। तो अब हम अपनी बात करने जा रहे हैं लिनन फैब्रिक, जो लिनन है, लिनन का धागा, लिनन का फैब्रिक वो कैसा होता है और उसकी जो खेती है वो कैसे की जा सकती है। तो आइए अपना स्टार्ट करते हैं टॉपिक लिनन। लिनन का धागा लंबे सन के पौधे के तने से निकला का तंतु है। यह तंतु तने के अंदर एक दूसरे से अच्छी तरह जकड़ा रहता है। यह जुड़वा सिद्धांत गोंद सिद्धांत पदार्थ के कारण होता है। लिनन का जो धागा है, जो उसका जो तंतु है, वो सन का जो पौधा होता है उससे प्राप्त होता है, ठीक है। और जो उसका तना होता है, तने से मतलब जकड़ा रहता है, तने पे चिपटा हुआ होता है, जैसे कि हमने फेविकोल से चिपका रखा हो, कुछ इस तरह से लगता है वो देखने में, जो कि सन के तंतु का ठोस भाग बनाते हैं। लिनन के तंतु आराध्य रूप में सेलुलोज पदार्थ से बनते हैं। जो उसका जो तंतु होता है, जो उसका पदार्थ होता है, वो सेलुलोज जो पदार्थ होता है उससे बनता है। जैसा कि आप पिक्चर में देख भी रहे हैं कि कैसे इसके फ्लावर्स होते हैं और कैसे इसकी जो तना है वो कैसे होता है, इसकी जो लीव्स आती हैं वो कैसे आती हैं, तो आप पिक्चर में देख भी सकते हैं कि जो उसका पौधा होता है लिनन का वो कैसा होता है। लिनन को हमेशा विलासिता का वस्त्र माना जाता है। कुछ प्राचीन देशों में लिनन को लेकर धार्मिक त्यौहारों पर ही उपयोग में लाया जाता है, मतलब जो लिनन है उसको त्यौहारों पे ही पहनना ज़्यादा पसंद करते हैं लोग, जो कि शुद्धता का प्रतीक है, जो कि मतलब माना जाता है कि हाँ बहुत अच्छा है, बहुत शुद्ध है, इसको हमें अपने त्यौहारों पे प्रयोग में लाना चाहिए। प्राचीन समय में सभी लिनन वस्त्रों के लिए शुद्ध लिनन शब्द का उपयोग किया जाता था। लिनन हमेशा ठंडा, कुरकुरा और शुद्ध दिखाई देता है, मतलब जो लिनन होता है वो मतलब गर्मी में पहनने तो हमें ठंडा अपने शरीर को हमें ठंड प्रदान करता है, मतलब हमारी जो स्वेटिंग वगैरह होती है वो सोखने में वो बहुत अच्छा होता है। और व्यक्ति या वस्तु के रूप में आकर्षक व सुंदर बना देता है और सुंदरता का भी प्रतीक है। आप सुंदर भी लगते हैं इसको पहनने के बाद, लिनन को पहनने के बाद। महीन गुणवत्ता वाला लिनन विलासिता और महंगेपन का प्रतीक है। सन का पौधा केवल उन्हीं देश में लगाया जाता है जहाँ सस्ता श्रम और ऐसी प्राकृतिक सुविधाएँ होती हैं जो कि तंतु को निकालने में मदद देती हैं। वस्त्र बनाने हेतु तंतु के निर्माण होते हैं। जो उसका जो पौधा है सिर्फ उसी कंट्री में लगाया जाता है, उसी देश में लगाते हैं इसका पौधा जहाँ पे इसकी जो प्राकृतिक सुविधाएं हैं वो उपलब्ध होनी चाहिए। हमारा जो सस्ता और जो उसकी श्रम है वो मतलब कम लगे, इसकी सुविधा उपलब्ध हो वहाँ पे, ये पौधा हमारा ज़्यादा अच्छे से पनप पाता है। सामान्य देखभाल करनी पड़ती है ऐसे ही इसकी, जैसे नॉर्मल हम पौधों की देखभाल करते हैं अपनी, इसको भी हमें इसलिए ध्यान में रखना होती है ये सब कुछ, कि इसको हम पानी सही टाइम पे आया है कि नहीं आया है, उसकी देखभाल है जो सही टाइम पे हुई है नहीं हुई है, उसके आसपास भी घास तो नहीं उग गई है, और उस पौधे को हमारा जैसे पनपते हैं इसको खाद पानी सही टाइम से दे रहे हैं या नहीं दे रही है, इसलिए इसकी सामान्य देखभाल करनी होती है ताकि प्रत्येक प्रक्रिया तंतु की मजबूती और सुंदरता को बनाए रख सके। लिनन की विशिष्ट और ऐच्छिक विशेषताएँ उसका आकार, मजबूती और मोटा व महीन तंतु का मंडल है जो कि वस्त्र को पोत प्रदान करते हैं। अधिकांश लिनन की ड्रेस और परिधान में सलवट प्रतिरोधक परिसज्जाएँ दी जाती है। में ये बताया गया है कि जो इसकी जो लिनन की जो सुंदरता है और आपकी विशेषताएं हैं, एक तो ये जो मजबूत बहुत होता है, लिनन में मोटा भी होता है, इसका तंतु का मंडल जो होता है तो वो काफ़ी अच्छा दिखने में होता है, उसमें ड्रेसेस वगैरह हमारी जो हमारा लिनन का फैब्रिक की ड्रेस हो गई हमारी तो वो बहुत अच्छे से बन पाती है। इसमें लिनन का उत्पादन दो विभिन्न उद्योगों हेतु किया जाता है, तंतु के उत्पादन हेतु और बीज के उत्पादन हेतु, मतलब इसका जो उत्पादन है, इसका जो उगाने की क्रिया है वो दो विभागों में की गई है। एक तो बीज बोते हैं तब हम इस तंतु को लगा सकते हैं। तंतु के उत्पादन हेतु उगाए जाने वाले पौधे और बीज प्राप्त करने हेतु उगाए जाने वाले पौधे की देख रेख में अंतर होता है। फ्लैक्स पौधे का बीज अलसी के तेल में उत्पादन का महत्वपूर्ण स्रोत है, मतलब जो उसका जो बीज है वो अलसी का जो तेल होता है उसमें उपयोग में आता है, जिससे कि पेंट, वार्निश, चमड़े और
तेलीय रेशम के निर्माण में उपयोग में ला जाता है। जो उसका जो तेल होता है वो चमड़ा और जो वार्निश होती है उसमें उपयोग में लाया जाता है। बीज प्राप्त करने हेतु फ्लेक्स को अधिक पकाने की आवश्यकता होती है, जबकि पौधे के अधिक पकाने से लीलन के वस्त्र तंतु का महत्व कम हो जाता है। मतलब जो इसका जो इसको पकाया जाता है तो ये तेल वगैरह में जो हम यूज़ करते हैं तो बहुत अच्छा रहता है, लेकिन अगर फैब्रिक में यूज़ करते हैं तो उसका तंतु महत्व जो होता है तंतु का वो थोड़ा कम हो जाता है, क्वालिटी उसकी थोड़ी ख़राब हो जाती है। पौधे के बढ़ाने की विधि का प्रभाव लीलन के तंतु के उद्देश्य पर प्रभाव डालता है। भूमि तैयार करना, इसकी जो ज़मीन है वो कैसे तैयार की जाती है। लीलन के पौधे के लिए उपजाऊ और अच्छी तरह की जुताई की हुई भूमि की आवश्यकता होती है। मतलब जो उसकी जो उसका जो इसकी खेती करते हैं तो उसको खेती को करने के लिए हमें आपकी जो भूमि है जो ज़मीन है उसको अच्छे से पानी वानी दे के उसको अच्छे से उसकी जुताई करके तब इसको खेती को हमें करना चाहिए, ताकि जड़ के महीन रेशे गहराई तक ज़मीन में जा सके। लीलन का पौधा नाजुक होता है, मतलब जिससे कि उसकी जो लीव्स होती है और उसकी जो तना होता है उसकी मतलब क्या बोलते हैं, जैसे नसें होती हैं ना हमारे शरीर में, ऐसे ही जो वो पौधा होता है पौधे के नीचे जो जड़ें होती हैं वो काफ़ी फैली होती है, तो वो ज़मीन में अच्छे से जा सके, अच्छे से उनको पानी वानी अच्छे से मिल सके, तो इसलिए उसकी ज़मीन को अच्छी तरह जुताई कर लेना चाहिए। और जिसका इसका जो पौधा है वो काफ़ी नाजुक होता है, अतः इसी सावधानी पूर्वक देख रेख की आवश्यकता होती है। इसीलिए गहरी भूमि के साथ ठंडे और अंध मौसम की आवश्यकता होती है। अस्थायी गर्म मौसम तंतु की वृद्धिता और गुणवत्ता पर प्रभाव डालता है। इसके लिए सतही भूमि जिसमें नरम और ताजे पानी की अत्यधिक पूर्ति हो लीलन के लिए आवश्यक होती है। ऐसी भूमि जिसमें लीलन को बोया जाने वाला हो उसे बोने से 6 वर्ष पूर्व उपजाऊ बनाना उत्तम होता है। एक ज़मीन में 7 वर्ष में केवल एक फसल ही फ्लेक्स के पौधे की लेनी चाहिए। मतलब जो एक ज़मीन है ज़मीन में सिर्फ 7 वर्षों में एक ही फसल फ्लेक्स की लेनी चाहिए, वरना हमारी ज़मीन में हम अगर बार बार उसी चीज़ को लगाते रहेंगे फ्लेक्स के पौधे को लगाते रहेंगे तो ज़मीन की हमारी जो वैल्यू होती है वो ख़राब हो जाती है, मतलब अच्छे से फसल उत्पन्न नहीं पाती है उसमें। इसीलिए फसलों को सावधानी पूर्वक बदलते रहना चाहिए। यदि प्रतिवर्ष एक ही भूमि में लीलन का पौधा लगाया जाए तो पौधे में कम ठोस पदार्थ उत्पन्न होता है। बीज बोना, सन के बीजों को हाथ द्वारा अप्रैल या मई में बोया जाता है। मतलब अगर एक यही बताया गया है कि एक ही फसल को नहीं बोना चाहिए, बार बार फसल को चेंज करते रहना चाहिए, और जिसके जिसको जो बीज हैं वो अप्रैल और मई के महीने में बोए जाते हैं हाथ के द्वारा, मतलब स्कैटर करके से फेंकने नहीं चाहिए, एक एक करके बोना चाहिए। बीजों को अपेक्षाकृत मोटाई में बोना चाहिए ताकि सन का तना लंबाई में सीधा उग सके, मतलब मोटाई में बोना चाहिए कि वो लंबा उग सके, से उबड़ खबड़ ना हो। पौधे की रेख देख, जब पौधा कुछ इंच ऊंचा हो जाता है तो आसपास की घास को हाथ से खींचकर निकाल देना चाहिए। अगर उसके आसपास घास आ जाती है तो उसको भी निकाल देना चाहिए। वे इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि लीलन के नाजुक पौधे को जरा भी हानि ना पहुंचे, मतलब ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि लीलन का अगर हम घास निकाल रहे हैं तो उसका पौधा ना निकल जाए, हमारा कहीं पौधा ना हमारा खराब हो जाए। तीन महीने के पौधे सीधे हो जाते हैं, जो 3 महीने के जो पौधे होते हैं वो सीधे हो जाते हैं और उनकी देख देख अच्छे से की जाती है। पतला सीधा तना 2 से 4 फीट ऊंचा हो जाता है जिसमें नुकीली पत्तियां और छोटे छोटे नीले बैंगनी या सफ़ेद फूल खिलते हैं। मतलब अगर उसके जो फूल हैं वो कैसे कैसे उगते हैं, हमारे वाइट भी हो सकते हैं, वो बैंगनी भी हो सकते हैं, तो उसमें इस तरह के फूल अपने निकल आते हैं। नीले फूल वाले पौधे से महीन तंतु प्राप्त होता है, अन्य पौधे से मोटा किंतु मजबूत तंतु उगते हैं। जो नीले जिसपे नीले फूल आते हैं उसमें हमारा बारीक तंतु उगता है, और जिसपे मोटे जो मतलब अन्य फूल आते हैं उसमें मोटे किंतु मजबूत जो तंतु होता है वो उगता है। इसकी कटाई कब करनी चाहिए? कटाई अगस्त के अंत में फ्लेक्स भूरे रंग में परिवर्तित हो जाता है, जो कि यह दर्शाता है कि खुदा को नीचे परिवक्त हो गया है और कटाई के लिए तैयार है।
अगर जब फ्लैक्स जो हमारा पौधा होता है उसका जो कलर होता है वो अपने आप ही मतलब कन्वर्ट हो जाता है आपके भूरे रंग में, तो हमें पता लग जाता है कि हाँ ये फसल अब हमारी तैयार हो गई है, उसको हमें काट लेना चाहिए। इस अवस्था में देरी नहीं करनी चाहिए, अन्यथा तंतु की कीमती चमक को नरम पौध में कमी आ जाएगी। मतलब जब ये भूरा रंग का हो जाए तो उसको काट लेना चाहिए, इसमें देरी नहीं करनी चाहिए, वरना हमारा जो पौधा है उसकी जो चमक है वो खराब हो जाती है। पौधे को जमीन में से हाथ या क्षमता वन मशीन द्वारा खींचना चाहिए। पौधे को यदि तना बीच में से कट जाता है तो उसका द्रव पदार्थ नष्ट हो जाता है, उसको ना पूरा का पूरा ऐसे निकालना चाहिए। अगर वो बीच में से टूट जाता है तो उसमें जो द्रव होता है अपना चिकनापन जो होता है वो उसका नष्ट हो जाता है, खराब हो जाता है, और यह हानि तंतु की गुणवत्ता पर प्रभाव डालती है। लीलन का तंतु अविरल होना चाहिए और उसका ऊपरी नुकीला सिरा सुरक्षित रहना चाहिए। मगर जो ऊपरी सिरा होता है उसका, जैसे हमारा ये सपोज करते हैं ये हमारा लीलन का पौधा है, ये जो उसका सिरा है ना वो सही होना चाहिए, तो उसको हम जड़ से ऐसे उखाड़ेंगे तो वो सीधा उसे देने करना चाहिए, टूटना नहीं चाहिए, उसमें कोई हानि नहीं चाहिए हमें, वरना वो जो हमारा पौधा है वो खराब हो जाए।